भी शेयरिंग विद यू ऑल दिस ड्यूई ग्लोई इंडियन मेकअप लुक एंड ये लुक परफेक्ट है किसी भी इंडियन वेडिंग पार्टी फंक्शन के लिए। एंड इस लुक को मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए क्रिएट किया है जो बहुत ही सटल न्यूड एंड एलिगेंट लुक चाहते हैं। एंड पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे ये लुक बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। जैसा ये टर्न आउट हुआ ये दिखने में बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लग रहा है, साथ ही साथ परफेक्ट है किसी भी आउटफिट के लिए। एंड आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। सारे ही अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो फर्स्टली आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स रोज हिप सीरम। एंड डोई मेकअप में हमें अपने फेस पे सीरम या फेशियल ऑयल अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपके पास इन दोनों में से कोई चीज भी ना हो तो आप अपने फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले यूज कर सकते हो कोकोनट या फिर ऑलिव ऑयल को। सो देन मैंने अपने स्किन को मॉइस्चराइज किया विद द हेल्प ऑफ पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यूज किया वैसलीन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप। सो सबसे पहले मैंने यूज किया एन वाई बे फाउंडेशन स्टिक को एज अ लाइट कलर करेक्टर, बिकॉज ये एक येल्लो टोन में है तो बहुत ईजिली इसने लाइट कलर करेक्शन कर दिया था मेरे फेस का। देन मैंने यूज किया स्टेक वेयर की लिक्विड फाउंडेशन को। एंड देन मैं कर रही हूँ अपने पूरे फेस की क्रीम कॉन्टोरिंग। सो नेक्स्ट एक लाइट शेड के कंसीलर की हेल्प से मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग। मैंने यूज किया डार्लिंग इजाबेला के कंसीलर को एंड सिर्फ अपने कंसील्ड एरिया को मैं सेट कर रही हूँ पाउडर की हेल्प से। सो ड्यूई मेकअप में आप हमेशा ट्राई करो पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट को कम यूज करने का। देन मैंने अपने पूरे फेस को सेट कर लिया मेकअप फिक्सर की हेल्प से। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। सो सबसे पहले मैंने एक डार्क ब्राउन शेड के आई शेडो की हेल्प से अपने ब्राउज की फिलिंग की। हिलारी रोडा के पैलेट से मैंने यहाँ पे पिक किया एक रोज गोल्ड शेड को। सिंपली आपको अप्लाई करना है, देन आप ब्लेंड कर लोगे, आपका आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो इससे ज़्यादा इजी आई मेकअप किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए आपके लिए हो ही नहीं सकता एंड बहुत ही मिनिमम टाइम में आप क्रिएट कर सकते हो। काजल की हेल्प से मैंने अपने अपर लैश लाइन को टाइटन अप कर लिया एंड अब हम कोट करेंगे मस्कारा को। तो मस्कारा आप ट्राई करो जिगजैग मोशन में अप्लाई करने का, इससे आपके लैशेस बहुत ही ज़्यादा थिक एंड वॉल्यूमनाइज दिखते हैं। एंड अगर आप फॉल्सेस वेयर करने में कंफर्टेबल हो तो आप वेयर कर सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मस्कारा आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से करना होगा। देन आई एम यूजिंग हियर दिस स्टेक वेयर की व्हाइट काजल एंड द पिगमेंटेशन ऑफ दिस काजल इज लाइक bomb.com। ट्रस्ट मी बहुत ही जबरदस्त है ये। तो उसके बाद मैंने कोरल शेड को पिक किया एज अ ब्रॉन्जर एंड देन मैंने पिक किया पिंक शेड को एज अ ब्लश। तो सिंपली आप पहले ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करोगे एंड उसके बाद जब आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा सा डैप कर लोगे तो इससे क्या होगा कि जो ब्लशिंग शेड होगा वो आपके स्किन में जाकर अच्छे से पैक्ड हो जाएंगे एंड ऐसा लगेगा कि आपके जो चीक्स है वो नेचुरली ब्लश कर रहे हैं। सो देन मैंने यहाँ पे यूज किया है एन वाई बे ब्लिंक आई शेडो को एज अ हाईलाइटर एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। सो पहले मैंने माइग्लैम की लिपस्टिक अप्लाई की है, टॉप अप किया लैक्मे की लिपस्टिक एंड थोड़ा सा लिप ग्लॉस ऐड किया है। सो हेयर इज आवर फाइनल फिनिश लुक। यू गाइस कैन सी हाउ इजली एंड ब्यूटिफुली आई क्रिएटेड दिस ड्यूई मेकअप लुक एंड आई होप कि आप लोगों को ये लुक पसंद आया हो। सो जैसा भी लगा हो ये लुक मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। एंड आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी लव यू ऑल बाय गाइस।